क्या पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर 5 जनवरी को ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हमला हो सकता था? यह आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। आपको सबसे पहले गिरिराज सिंह का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पीएम को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं, साजिश थी। महादेव की कृपा से वो बच गए। इसकी उच्च स्तरीय सही जांच होगी तो ये साजिश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही नहीं बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। तो गिरिराज सिंह के इस आरोप में कितना दम है ये तो अपने आप में जांच का विषय है, लेकिन गिरिराज सिंह की बातों में इसलिए दम है क्योंकि जहां पीएम मोदी के काफिले को रोका गया था वो जगह करीब करीब 15 किलोमीटर दूर थी सीमा से। अगर सीमा पार से दुश्मन ड्रोन अटैक करता तो खतरा बढ़ सकता था। वैसे भी एसपीजी ने 3 जनवरी को पंजाब सरकार को यह बता दिया था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आतंकी संगठनों और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से प्रधानमंत्री मोदी की जान को बड़ा खतरा है। क्या पीएम मोदी के खिलाफ ड्रोन साजिश थी? क्या फिरोजपुर में पीएम टेलीस्कोपिक गन के निशाने पर थे? 5 जनवरी को फिरोजपुर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका था उसके पीछे मकसद सिर्फ पीएम मोदी का विरोध करना नहीं था बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशंका जताई है कि पीएम मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर रोकना एक सोची समझे साजिश का हिस्सा था। गिरिराज सिंह के मुताबिक फिरोजपुर में पीएम मोदी की हत्या की साजिश थी। गिरिराज सिंह ने आशंका जताई कि ड्रोन अटैक या फिर उन पर टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाया जा सकता था। एसपीजी सुरक्षाकर्मी ने राज्य सरकार को एक एक मिनट की जानकारी और ऐसे भी वैकल्पिक रूट बना रहता है, ये किसको बुड़बक बना रहे हैं, किसको ठग रहे हैं? ये संयोग नहीं था बल्कि एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या। गिरिराज सिंह के आरोपों में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एसपीजी की एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी एसपीजी ने 3 जनवरी को यानी पीएम मोदी के पंजाब दौरे के 48 घंटे पहले पंजाब पुलिस को लिखी थी। चिट्ठी में एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी की जान को आतंकी संगठनों से खतरा जताया था। चिट्ठी में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से खतरा है। इसके अलावा एसपीजी के पास खुफिया इनपुट है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी वधावा सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजावर, रंजीत सिंह नीटा और लखबीर सिंह पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में है और खासकर चुनाव के समय वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। यानी एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को बता दिया था कि पीएम मोदी की जान को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ साथ खालिस्तानी आतंकी गुटों से बड़ा खतरा है। एसपीजी की चिट्ठी में इस बात का साफ साफ ये जिक्र है कि हुसैनीवाला जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था वहां से 15 किलोमीटर दूर पंजाब पार पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स जमीन के रास्ते नदी और ड्रोन से सप्लाई हुए हैं। जो बात एसपीजी ने कही थी उसी बात की आशंका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जताई है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ड्रोन वाली साजिश को अंजाम दिया जाता तो ड्रोन सीमा पार से कितनी देर में पीएम के काफिले तक पहुंचता? अगर 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से कोई ड्रोन उड़कर आता तो उसे पीएम मोदी के काफिले तक आने में करीब 20 से 25 मिनट तक लग जाते और 5 जनवरी को फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर पीएम मोदी 20 मिनट तक रुके रहे। निश्चित ही ये केवल चूक नहीं है और अगर सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके आप देखेंगे तो कहीं न कहीं सुनियोजित रूप से कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर पंजाब सरकार ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है। पंजाब में पिछले कुछ सालों में सीमा पार से ड्रोन से हथियारों की सप्लाई बढ़ी है। बार बार पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठन पंजाब के रास्ते आतंक फैलाने की साजिश कर रहे हैं। 18 दिसंबर को ही फिरोजपुर में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया था। 21 दिसंबर को गुरदासपुर जिले में सीमा पार से ड्रोन दाखिल हुआ था। 2021 में अकेले पंजाब में बॉर्डर के पास 59 ड्रोन मिल चुके हैं।
गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि पीएम मोदी पर टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाया जा सकता था। जिस जगह पर पीएम मोदी का काफिला रुका था वहां आसपास खेत हैं और दूर दराज के घर भी। अगर किसी तरह से टेलीस्कोपिक गन से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश होती तो खेतों में मौजूद घरों से टारगेट बनाया जा सकता था। किसी टेलीस्कोपिक गन से 800 मीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। वैसे गृह मंत्रालय की टीम ने उस जगह की जांच पड़ताल की है जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया था। अब जांच के बाद ही पीएम मोदी के खिलाफ साजिश का असली सच सामने आएगा। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज और दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की अनदेखी की। इस बीच फिरोजपुर में सतलुज नदी में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव मिली है। ये नाव उस जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर है जहां पीएम का काफिला फंसा था। ऐसे वक्त पर जब फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा गरमाया है, पाकिस्तानी नाव मिलने पर यह शक और गहराता है।